दोस्तों यदि आप भी अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पेज को फेसबुक पर से परमानेंटली डिलीट कर सकते हो, जिससे आपका पेज बिल्कुल भी शो नहीं करेगा और कोई सर्च भी करेगा तो आपका पेज नहीं आएगा। बस आपको करना क्या, इस वीडियो को देखना है। 5 मिनट के वीडियो में 100% बताने वाला हूं जो कैसे आप पेज को डिलीट कर सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, आपका पेज डिलीट हो जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो आपको एक फेसबुक पेज दिख रहा होगा जो कि हमारा ही पेज है, इस पे 9 फॉलोअर्स भी है और इसको हम जो है डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली यहां पे करना क्या है, आपको ऊपर में एक 3 लाइन का या फिर आपका अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ एक लोगो दिखेगा, सिंपली आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा ऐसे ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहां पे आपको जो है योर इंफॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें से आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेस एंड कंट्रोल का, सिंपली आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। जैसे जैसे बताते जा रहा हूं एज इट आपको वैसे ही करना है, 100% आपका पेज यहां से डिलीट हो जाएगा। इस प्रोसेस से डिलीट करिएगा तो आपका पेज कभी भी दोबारा जो है आपके फेसबुक अकाउंट पे शो नहीं करेगा, किसी के भी आईडी पे बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। तो यहां पे आपको डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको करना क्या, यहां पे क्लिक कर देना है। यहां पे देख सकते हैं टेंपरेरी डीएक्टिवेट भी आप कर सकते हैं अपने पेज को और परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको यहां पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको डीएक्टिवेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मतलब कि यदि आप अपने पेज को कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिंपली यहां से क्लिक करके और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन हम परमानेंटली डिलीट ही करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली डिलीट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपको फेसबुक को कोई सा रीजन देना पड़ेगा जो क्यों आप इस पेज को डिलीट करना चाहते हैं। देख सकते हैं बिफोर यू डिलीट वी मे बी एबल टू हेल्प यू, मतलब कि यहां पे बोल रहा है डिलीट करने से पहले आपकी हम कुछ मदद करना चाहते हैं। यहां पे आपको जो है कुछ दिखाया जाएगा, मतलब कि कुछ स्टेटमेंट देखने को मिलेगा जो आप अपने पेज को क्यों डिलीट नहीं करिए, इस सब के बारे में कुछ बताया जाएगा। तो इस सभी को आपको नहीं पढ़ना है, सिंपली यहां से आपको जो है अगर कोई रीजन है इस सभी में से तो वो रीजन आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको करना क्या है तो सिंपली यहां पे जो है आई हैव अ प्राइवेसी कंसर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहां पे आपको करना क्या है, सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद पूरा ऊपर स्क्रॉल करिएगा तो यहां पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन यहां पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, कंफर्म दिस इज योर पेज, मतलब कि इस पेज को डिलीट करने से पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा ये आपका ही पेज है। तो कैसे फेसबुक को पता चलेगा जो ये आपका ही पेज है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके फेसबुक प्रोफाइल का जो पासवर्ड होगा ना वो पासवर्ड आपको यहां पे डालना पड़ेगा। तो चलिए हम पासवर्ड डाल देते हैं, क्योंकि पासवर्ड डाल के ही प्रूफ हो सकता है कि ये पेज जो है वो आपका ही पेज है। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं हमने पासवर्ड फिल कर दिया, आपको भी पासवर्ड फिल कर देना। यदि आपको अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता है तो ये वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो आपको इंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, या फिर वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पे फॉलो करके आप हमें मैसेज करिएगा तो हम आपको बता देंगे जो कहां से आप पासवर्ड जो है पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे ना, कुछ समय के बाद आपका आईडी ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं डिलीट राहुल स्मार्ट टेक पेज एंड इंफॉर्मेशन, आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आपके सामने आपका पेज आ जाएगा, यहां पे पेज का नाम और यहां पे आपको डिलीट पेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली डिलीट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन वहां पे क्लिक करते ही देख सकते हैं हमारा पेज जो है वो डिलीट हो चुका है और हम अपने प्रोफाइल में यहां पे आ चुके हैं। देख सकते हैं ये हमारा प्रोफाइल है और इसी प्रोफाइल से हमने पेज को जो है क्रिएट किया था, और देख सकते हैं पासवर्ड डाल के जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन मांगा सबको हमने कंटिन्यू किया। देन हमारा पेज बहुत ही आसान तरीका से डिलीट हो चुका है। देखिए सिंपली हम यहां पे क्लिक कर रहे हैं ना तो आपको कोई भी राहुल स्मार्ट टेक नाम का पेज देखने को नहीं मिल जाएगा। ये राहुल स्मार्ट टेक है, सिंपली यहां पे राहुल कुमार है, स्मार्ट स्पोर्ट प्रेडिक्शन है, स्मार्ट स्पोर्ट प्रेडिक्शन है, लेकिन राहुल स्मार्ट टेक नहीं है, मतलब कि वो पेज हमारा 100% डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, पेज का यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कम से कम 60 दिनों तक उस पेज को लॉग इन नहीं करना है। 60 दिन के लिए आप भूल जाइए जो वो पेज भी आपने क्रिएट किया था। 60 दिन के बाद यदि आप लॉग इन करना भी चाहेंगे ना तो वो पेज रिकवर नहीं होगा, मतलब कि 60 दिन के बाद परमानेंटली वो पेज डिलीट हो जाएगा। अभी यहां पे डिलीट हो चुका, अभी भी किसी के आईडी पे वो पेज शो नहीं करेगा, आपके आईडी पे भी नहीं शो करेगा, और किसी आईडी में जाके आप सर्च भी करेगा तो आपका पेज शो नहीं करेगा। लेकिन 60 दिन तक आप उस पेज को रिकवर कर सकते हैं अपने आईडी से, लेकिन 60 दिन के बाद वो पेज परमानेंटली ही डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपका पेज भी कुछ इस तरह से आसान प्रोसेस से डिलीट हो गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा।
ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।